औरंगजेब आलमगीर की जिंदगी जो 1618 से लेके 1707 तक एक बहुत तवील जिंदगी थी, ये जिसमें तकरीबन 50 साल जो है वो हुकूमत के रहे। पिछले लेक्चर में हमने देखे थे कि किस तरह गेम ऑफ थ्रोन जो है मुगल सल्तनत के लिए मतलब पहली मर्तबा इतनी लड़ाई हुई जिसमें चारों भाई जो है थ्रोन के दावेदार थे, और जाहिर बात है जो उन सब में सबसे ज्यादा काबिल थे औरंगजेब, उनको वो तस्नशीन हुए, वो थ्रोन जो है उनके हिस्से में आया। तो औरंगजेब ने पहले तो एक अपना प्राइमरी कोरोनेशन किया था अपनी तख्तनशीनी, उसके बाद ऑफिशियली 16 जून 1659 को उन्होंने अपनी तख्तनशीनी की। तख्तनशीनी अख्तियार करने के बाद बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो है औरंगजेब ने किए, यानी सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी तो उसमें जो हिंदू ऑफिसर्स थे उनको एज इट इज रहने दिया, बल्कि बहुत सारे हिंदू ऑफिसर ऐसे थे उनको प्रमोट भी किया गया। फिर औरंगजेब की अपनी एक शनाख्त थी, वो बहुत ही पुख्ता मुसलमान थे, तो उन्होंने का मदीना में जो होली मैन जो वहाँ पे रहते थे, जो मुकद्दस शख्सियत थी वहाँ के जो इमाम थे, उनको जो है तोहफे तोहफ़ उन्होंने भेजे। उसके बाद जो है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे जो हुकूमत के मुताबिक उन्होंने किए, जैसे जो बादशाह का बर्थडे था वो या के जो जिस वक्त तख्त नशीन होता और उसकी जो सालगिरह रहती तो हर साल बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती, उस पर लाखों रुपया जो है खर्चा होता था, तो औरंगजेब ने उसको खत्म करवा दिया कि नहीं ये फजूल खर्च। इसी तरह झरों का दर्शन एक रस्म थी जो अकबर के जमाने में शुरू हुई थी, तो इसमें चूंकि अकबर अपने आप को खुदा समझता था या खुदा के दर्जे में वो जिले लाही अपने आप को समझता था, तो एक पूरा ऐसा एक फिरका वजूद में आ गया था कि जो जब तक बादशाह के दर्शन सुबह नहीं कर लेता था तब तक वो कुछ खाता पीता नहीं था, उसको कहा जाता था झरों का दर्शन। तो ये जो बिदत थी औरंगजेब ने इसको भी खत्म करवा दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कोर्ट में मौसीकी का काफी बड़ा बैंड हुआ करता था, अलग अलग टाइप की मौसीकी बजाने वाले होते थे और उनके अखराजात भी जो है शाही खजाने से दिए जाते थे, तो औरंगजेब ने वो सब बंद करा दिया कि कोर्ट में यानी दरबार में मौसीकी की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक रस्म ये थी कि जो बादशाह है उसको सोने में तोला जाता था उसके जन्मदिन के दिन, उसके बर्थडे के दिन, यानी सोना चांदी जितने किलो का बादशाह होता उतना, और जाहिर है ये सारे अखराजात जो है वो अलग अलग रियासतों से आते थे और उन पर एक बोझ पड़ता था, तो औरंगजेब ने ये फजूल रस्म भी बंद करा दी। इसी तरह शाही एस्ट्रोनॉमर्स थे, यानी ऐसे नजूमी थे जो मुस्तकबिल बताते थे और वो बिल्कुल ही शाही खर्चे पे यानी गवर्नमेंट के खर्चे पे उनको पाला जाता था, तो ऐसे जितने रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोलॉजर्स थे औरंगजेब ने सबकी छुट्टी कर दी। फिर औरंगजेब से पहले जो बादशाह थे जाहिर है वो सबके सब मुसलमान थे और इस शरीयत पर ईमान रखते थे, तो वो ये करते थे कि वो कॉइन पर कलमा छपाते थे, लेकिन औरंगजेब ने उसमें एक दर्जे का महसूस किया कि इसमें कलमे की बेहरमती होती है, जाहिर है ये नाली में गिरेगा पैरों के नीचे आएगा, तो फिर उन्होंने ये बंद कर दिया कि कॉइन पर कोई कलमा नहीं छापा जाएगा। फिर ईरानियों का जो त्यौहार था नौरोज वो दरबार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, वो त्यौहार जो है औरंगजेब ने बंद करा दिया। फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए जिसमें शराब की किसी भी तरीके से खरीद फरोख्त उसकी तिजारत उसका इस्तेमाल, इसी तरह जो दूसरी नशावर चीजें थी जैसे भंग वगैरह उस पर भी पाबंदी लगा दिया। इस तरह जो मुजरे या नाचने गाने वाली औरतें थी पब्लिक वुमेन थी तो उन सबको ऑर्डर दिया कि या तो वो शादियां करके शादीशुदा जिंदगी गुजारे या फिर वो किंगडम छोड़ दे। औरंगजेब की रीन मतलब ये काफी बाद में हुआ 1663 में, लेकिन सती की जो रस्म थी तो उससे पहले जितने बादशाह गुजरे थे हिंदुस्तान में चाहे सलातीन या दहली हो या मुगल बादशाह, तो वो हिंदुओं के मजहबी मामलों में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने कभी भी सती को टच नहीं किया था, लेकिन औरंगजेब ने एक स्टेप जाकर जो है वो सती की रस्म को खत्म करने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि उसकी बहुत ज्यादा मुखालिफत हुई, इसलिए उन्होंने ये किया कि उसके लिए एक ऐसा माहौल बनाया कि वो रस्म खत्म किया जाए और कोई औरत अगर सती ना होना चाहे तो उसको हुकूमत की तरफ से पूरा प्रोटेक्शन दिया जाने लगा। टैक्सेशन जो है बहुत ज्यादा थे औरंगजेब के जमाने में, तो औरंगजेब ने पूरे जो है कई टैक्सेस जो है उस जमाने में अपने कम कर दिए। इसी के साथ यानी एक बहुत अच्छा कदम था औरंगजेब का, और जब अगर हम आगे कभी आप ये पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का डाउनफॉल हुआ और उस डाउनफॉल में जो सबसे पहले उनका इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ यानी उनकी जो माशी हालत खराब हुई, तो उसका बुनियादी सबब यह था यानी जब औरंगजेब बादशाह बने तो उन्होंने ये बात महसूस कर ली थी कि मुसलमान मुकम्मल तौर से वो हुकूमत के ऊपर डिपेंड थे, यानी अगर हुकूमत ना हो तो फिर उनके खाने पीने के को मोहताज होंगे, यानी उनके पास नौकरियां रहेंगी नहीं रहेंगी, तो उनके कोई ऐसे बड़े बिजनेस सेक्टर्स नहीं थे, बिजनेस में दूसरी फील्ड में मुसलमान आगे नहीं थे, तो औरंगजेब ने किया कि मुसलमानों को बिजनेस में प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये किया कि जितने टैक्सेस थे जो कस्टम ड्यूटी वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से वो मुसलमानों को उन्होंने माफ कर दिए। लेकिन ये हुआ कि मुसलमानों में बिजनेस तो प्रमोट नहीं हुआ लेकिन लोगों ने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, यानी जैसे मुसलमान ये कहते हैं कि जो हिंदू बिजनेसमैन थे उनका सामान भी वो अपने नाम पर मांग आने लगे और वो उनसे रिश्वत लेते थे, तो
तो फिर 2 साल के बाद औरंगजेब ने उसको खत्म कर दिया वो कानून। औरंगजेब की जो पूरी 50 साल जदोजहद है उसमें देखते हम बहुत ज्यादा, यानी जहां एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे, दूसरी तरफ कंटिन्यूअसली जंगे थी। यानी सबसे पहली जो जंग थी झारखंड के अंदर हुई 1661 के अंदर, पलामू को कॉन्कर किया गया। उसके बाद औरंगजेब की जो जंगे थी आमतौर से वो सेक्ट, अलग अलग सेक्ट से हुई, यानी अहोम एक सेक्ट था, सिख, जाट, मराठा, अफगान, यानी अलग अलग जो कबाइल थे, सेक्ट थे, उनसे वो जंग हुई। तो पहली जो जंग थी ओहम सेक्ट के साथ हुई। ओहम लोग ये बेसिकली मंगोल ओरिजिन के लोग थे जो वहाँ बर्मा से माइग्रेट होके हिंदुस्तान में आए थे। ग्रेजुअली ये लोग क्या हुआ, यहाँ रहते रहते ये हिंदुआइज्ड हो गए और इन्होंने हिंदू कल्चर और हिंदू रिलीजन जो है अडॉप्ट कर लिया। 17वीं सदी तक बार नदी के करीब का एरिया इन्होंने वहां तक का फतेह कर लिया था। यानी शाहजहां के जमाने में ही ये बार नदी तक आ गए थे। और दूसरी तरफ शाहजहां की अपनी हुकूमत, क्योंकि शाहजहां के जमाने में काफी तोसी हुई थी, तो शाहजहां भी फतेह करते हुए बार नदी तक पहुंच गया था। तो जाहिर बात है जब वो उधर से फतेह करते हुए नदी तक आ गए और दूसरी तरफ से मुगल नदी तक आ गए, तो उसके बाद जंग होना लाजमी नहीं थी। शाहजहां के जमाने में जो जंगे हुई तो उसमें अहोम जो थे वो ज्यादा गालिब रहे, उन्होंने मुसलमानों को, यानी मुगल एम्पायर जो था, मुगल फौजों को उन्होंने शिकस्त दे दी। औरंगजेब के बाद औरंगजेब का जो सबसे काबिल जनरल था मीर जुमला, तो औरंगजेब ने उसको वहां अहोम के सक्सेशन के लिए उसको भेजा। मीर जुमला ने बहुत जबरदस्त एक पावरफुल आर्मी लेकर ऑपरेशन स्टार्ट किया और 1661 के अंदर उसने कूच बिहार फतेह कर लिया और ब्रह्मपुत्र तक पहुंच गया। उसके बाद यानी अगर आप देखिए एक के बाद दूसरे, दूसरे बाद तीसरे मुस्तकिल कई किले जो है आसाम के इलाके में उन्होंने फतेह किया और पूरा आसाम बहुत जल्द कैप्चर हो गया। फिर उसके बाद यह हुआ कि वो इलाके में बहुत तेज बारिश हुई और जो दुश्मन की फौजें थी उसके बाद वो भी, यानी उसने भी काफी टफ फाइट दिया लास्ट मोमेंट पे। तो ये ऐसे बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसके बाद आए, लेकिन उसके बावजूद मुगलों ने पूरा आसाम उसके बाद कवर किया, हिमाचल यानी दारंग जो वहां का कैपिटल था, हिमाचल कवर किया। लेकिन ये सारी फतुहात के नतीजे में काफी हैवी लॉस, मतलब इंडिया के जितना वहां आखिरी हद तक उन्होंने फतेह कर लिया था, लेकिन काफी हैवी कॉस्ट इनको देना पड़ी। यानी सबसे पहले मीर जुमला जो औरंगजेब का सबसे जहीन और काबिल जनरल था और अकलमंद काउंसलर था, उसकी मौत जो है इसके अंदर हो गई 1663 के अंदर, और उसके अलावा मुगल आर्मी के भी काफी नुकसान इसमें हुआ। दूसरा जो बड़ा मसला उस जमाने में हो गया था अराकान, मतलब बर्मा के जो पायरेट्स थे, यानी जो समंदरी डाकू जिनको हम कहते हैं, और पुर्तगीज, ये सब मिलकर क्या करते थे, बे ऑफ बंगाल के अंदर मुस्तकिल हमले करते थे, वहां हिंदू और मुसलमानों को उठा के ले जाते, उनको गुलाम बना लेते और दूसरे मुल्कों में ले जाकर बेच देते। तो 1664 में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल का गवर्नर बनाया मीर जुमला के मरने के बाद, तो तुम जाओ वहां पर मामला देखो। और शाइस्ता खान एक तकरीबन 30 साल तक, यानी 3 साल बीच में वहां नहीं रहे, तकरीबन एक 27 साल तक जो है तो वहां का गवर्नर रहा और बहुत अच्छे से उन्होंने जो पुर्तगीज थे, पायरेट्स थे, उनको उसने खत्म किया। इसी तरह जो अरकान पायरेट्स थे उनको खत्म किया। फिर बे ऑफ बंगाल के अंदर सोनदीप एक आइलैंड है, उस आइलैंड को फतेह करके एम्पायर के अंदर शामिल किया। तो एक शाइस्ता खान की काफी अच्छी खिदमत वहां पर रही और एक 90 साल की उम्र में शाइस्ता खान का इंतकाल हुआ। फिर तीसरा जो बहुत बड़ा रिबेल औरंगजेब के इसमें हुआ वो अफगान रिबेल था। यानी औरंगजेब की हुकूमत चूंकि हिंदुस्तान की तारीख की सबसे वसी हुकूमत थी और वो अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, तो वहां पर अफगान में यूसुफजई, आफरीदी, खटक, ये 3 कबीले थे जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जो है बगावत कर दी। तो तीनों को तो, यानी यूसुफजई, आफरीदी और 2 कबीले तो इब्तदा में जल्दी कुचले गए, लेकिन उनमें से जो खटक कबीला था उसके खिलाफ जंग बहुत ज्यादा देर तक चली और उसका जो मशहूर पश्तू लीडर था खुशहाल खान, तो ये पहले सर मुगल मनसबदार था, लेकिन बाद में कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, कुछ साजिश की वजह से उस पर इल्जाम लगा के उसको जेल में डाल दिए। फिर बाद में उसको अफगान जंग के वक्त उसको वापस छोड़ा गया और कहा कि तुम जाके मुगलों की तरफ से लड़ो, लेकिन उसने मुगलों की तरफ लड़ने के बजाय आफरीदी जो थे उनको जाकर उसने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसने खुद की अपने गोरिल्ला आर्मी बनाई और खुशहाल खान बहुत अच्छा पोइट भी था और बहुत अच्छा वॉरियर भी था, तो उसने ये कि जो अफगान नौजवान थे उनके अंदर आज़ादी का, यानी असल ये लड़ाई तो एक आज़ादी की लड़ाई थी, है ना, यानी ये लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम मुस्लिम की लड़ाई नहीं। यानी औरंगजेब एक इंपेरियलिस्ट था, एक साम्राज्य उनका था जो चाह रहे थे कि एक बड़ा साम्राज्य बने, उसके मुकाबले जो है अफगान लोकलाइट्स थे वो अपनी एक आज़ादी चाह रहे थे। तो ये यानी आजादी की लड़ाई इसको देखा जाना चाहिए, यानी खुशहाल खान खटक की जो आजाद जंग थी। तो खुशहाल खान खटक जो है वो आजादी चाह रहे थे और उन्होंने अफगान के अंदर एक वतन से मोहब्बत, एक कौम से मोहब्बत, ये जबरदस्त रूप फूंक दी और बहुत जबरदस्त लड़ाइयां उनके और मुगलों के दरमियान हुई। लेकिन जब औरंगजेब के एक के बाद एक कई जनरल उसके अंदर नाकाम हो गए और ये जो बगावत थी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो उसके बाद औरंगजेब खुद 1674 के अंदर वहां पर जंग करने के लिए गया। और औरंगजेब की जो मतलब खास बात ये थी कि वो सिर्फ एक अच्छा जनरल नहीं था बल्कि बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन भी था। तो औरंगजेब ने ये पॉलिसी वहां की कि जो कबायल थे उनको आपस में जो है
उसमें बहुत सारे कबीलों को अपने सपोर्ट में कर लिया, बहुत सारों को बड़े बड़े एजाज दिया और उनकी जो पूरी यूनिटी थी उस यूनिटी को तोड़ दिया और इस तरह ये जो पूरी बगावत थी ये सर्द हो गई। लेकिन उसमें खुशाल खान एक ऐसा सरदार था जो आखिर तक भी जिसने सरेंडर नहीं किया और वो लड़ता रहा, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि बाद में उसका बेटा जो है मुगलों से मिल गया और इस तरह उसकी हार हो गई। तो खुशाल खान की वसीयत बहुत मशहूर थी कि उसने यानी जो उसका इंस्पिरेशन था, उसका जो जज्बा था आजादी का, यानी उसने वसीयत की थी कि मेरे मौत के बाद मुझे ऐसी जगह दफन किया जाए जहां मुगल शहसवारों के घोड़ों से उड़ने वाली जो खाक है, जो मिट्टी है, वो भी मेरे मजार तक ना पहुंचे। यानी अल्लामा इकबाल को खुशाल खान का ये जज्बा जो है और उसकी ये आजादी की जद्दोजहद ये इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने उसकी तारीफ में एक नजम लिख दी। यानी वाले जिब्रील में नजम है खुशाल खान की वसीयत के नाम से और उस नजम पर खुद इकबाल ने हाशिया लिखा है कि खुशाल खान खटक पश्तो जबान को मशहूर वतन दोस्त शायर था जिसने अफगानिस्तान को मुगलों से आजाद कराने के लिए सरहद के अफगानी कबाइल की एक जमीयत कायम की। तो ये उसने एक बड़ी जमीयत कायम थी, तो इकबाल ने बड़ी प्यारी नजम उसमें लिखी, उसकी जो वसीयत थी उसको शायराना अंदाज में बयान किया है कि कबाइल हो मिल्लत की वहदत में गुम कि हो नाम अफगानियों का बुलंद, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमान, मुगल से किसी तरह ये कम नहीं कहिस्ता का ये बच्चा है अर्जुमन, कहूं तुझसे ए हम नशी दिल की बात तू मतफन है खुशहाल खां को पसंद, उड़ाकर न लाए जहां बादे को मुगल शहसवारों की गर्दे समान। तो ये इकबाल ने उसकी वसीयत को अपनी शायरी की जबान में बयान किया है। बहरहाल उसके बाद अफगान जो भी कबाइल थे उनकी बगावत दम गई और वहां पर मुगल हुकूमत कायम हो गई। फिर एक तीसरा जो रिएक्शन हुआ वो जाट रिएक्शन हुआ और 1965 के अंदर हम देखते हैं कि जब लद्दाख जो है जो बुद्धिस्ट लद्दाख था वो कॉन्कर हो गया, मतलब उन्होंने औरंगजेब ने जब उनको कहा कि तुम मुगल एम्पायर को एक्सेप्ट कर लो तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी लड़ाई। अब्दुल नबी जो मथुरा का फौजदार था, तो ये कहा जाता है यानी इसमें हिस्ट्री में थोड़ा ट्विस्ट है, बाद लोग कहते हैं कि उसने बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज की, बाद लोग कहते हैं कि वहां के लोग ही बगावत पर आ गए थे, तो थोड़ा हिस्ट्री इसमें डिवाइड है। लेकिन बहरहाल जो भी हो अब्दुल नबी ने जब बगावत हुई तो उसको बहुत ज्यादा ताकत से उसने दबाने की कोशिश की, इसके नतीजे में बगावत और ज्यादा भड़क उठी और उन्होंने अब्दुल नबी को कत्ल कर दिया और वहां की जो बगावत है किसी तरह कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर उस बगावत को खत्म करने के लिए औरंगजेब ने खुद जो है मार्च करके वहां पर आया और उनका जो लीडर था गोकुला उसको अरेस्ट कर लिया, उसको अरेस्ट करने के बाद उसको कत्ल कर दिया, उसका बेटा और बेटी जो है वो दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन 1685 के अंदर फिर उनको एक नया लीडर मिल गया राजा राम और राजा राम ने फिर बगावत कर दी और एक बड़ी फौज जमा करके फिर उसने मुगलों से लड़ाई ली, लेकिन इस बार भी जो है राजा राम को डिफीट हुई और उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी जाट जो है वो ऑर्गेनाइज होते रहे, यानी चूरामन जो उनका एक बड़ा लीडर मिला था और उसने एक बहुत बड़ा सिस्तानी किला कायम किया और उसके बाद उसने दिल्ली और आगरा के अतराफ के इलाकों में बड़े हमले किए और वहां बहुत उसने तबाही मचा दी। उसके बाद औरंगजेब ने राजपूत चीफ बिशन सिंह कचावा उसको भेजा और उसने जाकर जो है सिस्तानी फोर्ट 1704 के अंदर उसको खत्म किया, लेकिन उसके बावजूद भी यानी जाटों की कुवत खत्म हो गई थी लेकिन जाट जो है वो बाकी थे। 1672 में एक और रिवोल्ट हुआ जिसको सतनामी रिवोल्ट कहा जाता है और इसको ऐसे बताया जाता है कि बहुत ही यानी हिंदू मुस्लिम के तौर पर बताया जाता है कि सतनामी जो थे थोड़े डेवोटिस टाइप के लोग थे, तो इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने इन पर मजालिम डाए थे या उसके फौजदारों ने और उसके नतीजे में ये लोगों ने बगावत किया था। बहरहाल वाकई ये है कि सतनामी जो हिंदुओं का एक सेक्ट है तो उनके अंदर एक औरत उठी है जिसने यानी ऐसे दावा किया कि मैं प्रोफिटेस हूँ और उसने उनको जमा किया और जाहिर बात है उसके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एम्बिशियस थे, उसने नरोल का इलाका जो है वहां पे कब्जा कर लिया, कई मसाजिद को तोड़ दिया और अपने उसने एक हुकूमत कायम कर ली, तो उसकी उसने एक हुकूमत जो है दिल्ली के करीब कायम कर ली, तो उसकी हुकूमत को कुचलना जरूरी था। तो फिर इंपीरियल फोर्सेस ने जो है उसकी बगावत को कुचल दिया और वो तमाम लोग उसमें इन कई लोग उसके अंदर मारे गए। सिख जो क्लैश है वो औरंगजेब के जमाने में अपने क्लाइमेक्स को पहुंचा, यानी हमने देखा है कि जहांगीर के जमाने से वो शुरू हुआ, उसके बाद शाहजहां के जमाने में वो और ज्यादा मामला आगे बढ़ गया। हालांकि सिख जो है बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी थी और जो उनका रिलीजन था वो इस्लाम से काफी, उसकी जो एजुकेशन थी उसकी तालीमात वो इस्लामी तालीमत से काफी करीब थी, लेकिन जहांगीर के गैर दानिशमंदाना फैसलों से और उसके जो फौजदार थे उन्होंने जो गैर जरूरी मजालिम सिखों पर ढाए तो उसके बाद क्लैशेस शुरू हो गए और शाहजहां के जमाने में तो बाज़ाब्ता जंगे हुई और औरंगजेब के जमाने में वो अपने क्लाइमेक्स को पहुंच गया। यानी सातवें जो गुरु थे तो वो दारा शिकोह के बहुत अच्छे दोस्त थे और जब दारा दिल्ली से भागा तो वो पंजाब में गुरु के पास जाकर ठहरा, तो औरंगजेब ने उसके बाद गुरु को समन किया कि तुम दिल्ली आओ और क्या तुम्हारे ताल्लुकात है तो उसका उसको एक्सप्लेन करो, यानी दारा से तुमने किस किस्म की मदद की थी। तो गुरु ने अपने बेटे जो थे रामा राय उनको भेजा कि तुम जाओ, लेकिन रामा राय बहुत ही लर्नेड आदमी था और उसने जब मुगलों से मिला हुआ और उसने उनको काफी कन्विंस किया कि हम लोग जो है तो दोस्त हैं और हमारी टीचिंग से एक है तो हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, तो औरंगजेब भी काफी इंप्रेस हुआ
और देहरादून में एक बड़ी जो जमीन है वो उसको डोनेट की। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब सातवें गुरु का इंतकाल हुआ तो एक्सपेक्टेड ये था कि रामा राय जो है अगला गुरु बनेगा, लेकिन उसके बजाय हरि कृष्णा जो है वो गुरु बन गए, आठवां गुरु। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया, यानी जो मुगल एम्पायर था उसका सपोर्ट रामा राय को था क्योंकि इनके पहले से क्लोज रिलेशन थे और मुगल काफी से इम्प्रेस थे। दूसरी तरफ हरि कृष्णा जो था वो सिखों में मकबूल था, सिखों ने उसको अपना गुरु मान लिया था। तो यहाँ पर फिर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए और ये कन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए औरंगजेब ने उनको दिल्ली में बुलाया। लेकिन इससे पहले कि वो वहां जाते और मुलाकात होती और वो मामला निपटता, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया गुरु का। उसके बाद जो नाइन्थ गुरु थे वो गुरु तेग बहादुर थे। तो गुरु तेग बहादुर ने जब देखा कि एम्पीरियल सपोर्ट जो रामाराव की तरफ है, तो उन्होंने ये यानी कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए वो आसाम की तरफ चले गए। लेकिन आसाम में जाने के बाद उन्होंने, जब उस वक्त आसाम वार चल रही थी, तो वहाँ मुगलों के खिलाफ जो है जंग में भी हिस्सा लिया। उसके बाद वो आनंदपुर लौटे और वहां पर बहुत सारी ऐसी यानी एंटी एम्पायर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और उसके बाद मुगलों की कई पॉलिसीज का उन्होंने अपोज किया और कश्मीर के जो ब्राह्मण्स थे उनको भी औरंगजेब के अगेंस्ट जो है तो वो मोटिवेट किया। तो ये सारी चीजें यानी बहुत ज्यादा थी औरंगजेब के लिए बर्दाश्त करने के लिए। तो 1676 के अंदर गुरु तेग बहादुर को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद 1675 के अंदर दिल्ली का जो काजी था तो उसने बगावत के जुर्म में उनको यानी कत्ल की सजा दी। हालांकि इसको बहुत ही यानी ये जो इवेंट है इसको बहुत हिंदू मुस्लिम इवेंट और औरंगजेब की सिख दुश्मनी के तौर पे पेश किया जाता, और ये बताया जाता है कि गुरु के सामने दो ऑप्शन रखे गए कि या तो तुम इस्लाम कबूल करो या फिर मौत को कबूल कर लो, और गुरु तेग बहादुर ने जो है तो मौत को कबूल किया। ये बात सही है कि उनको कत्ल किया गया था और सिख जो है एक बड़ी मिलिट्री फोर्सेस के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन औरंगजेब ने ये ऑप्शन रखा कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या तुमको बख्श दिया जाएगा। ये जो ये फैब्रिकेटेड स्टोरीज है जो बाद में इंट्रोड्यूस की गई, तो आगे इंशाल्लाह उस पर मैं बताऊंगा। तो इस वाक्य से सिख बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उसके बाद जो दसवें गुरु थे वो तो बहुत छोटे थे, यानी 9 साल की उम्र में वो दसवें गुरु बन गए थे, गुरु तेग बहादुर के जो बेटे थे गुरु गोविंद। गुरु गोविंद ने उसके बाद ये किया कि फिर बहुत ज्यादा मिलिटराइजेशन पे उन्होंने फोकस किया। वो खुद मार्शल आर्ट और स्पिरिचुअलिटी दोनों में वो थे। उन्होंने सिख आइडियोलॉजी को पूरा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसको री इंटरप्रेट किया। फिर उन्होंने बैप्टिज्म की जो रस्म है वो सिखों में शुरू की और उसके बाद कहा कि जो बैप्टिज्म करेंगे उसके बाद वो खालसा यानी प्योर कहलाएंगा। फिर उन्होंने सिखों को जो है सिंह का लकब दिया, सिंह यानी शेर, और जो 5K यानी 5 Ks जो उनके मशहूर है, कृपान, कचेरा, कारा, केश, कंगा, ये 5 उन्होंने सिखों को रखने को कहा कि ये तुम्हारा सिंबॉलिक रहेगा, यानी तलवार, सफाई, तो ये 5 चीज उन्होंने सिखों में मकबूल की। तो गुरु गोविंद ने स्पिरिचुअल काम भी किया, उन्होंने यानी 10वें पातशाह की ग्रंथ जो है वो कंपाइल की, जिसमें सिखों के बहुत ज्यादा रिलीजियस चीजें उन्होंने बताई। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह सिखों को कंसोलिडेट कर रहे थे तो पंजाब के जो पहाड़ी इलाके हिल साइड के जो रूलर्स थे, जो दूसरे हिंदू रूलर्स थे, तो उनको काफी इनसिक्योरिटी फील हुई। तो उन्होंने औरंगजेब से कहा कि तुम इनको उठाकर यहाँ से फेंक दो, इनको यहाँ से निकाल दो, बाहर करो। तो पहले राजाओं ने खुद कोशिश की लेकिन उनके पास उतनी ताकत नहीं थी। उसके बाद राजा और मुगलों ने मिलकर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन उसके बाद मुगलों ने थोड़ी फौज बढ़ाई और उसके बाद उनका किला चारों तरफ से घेर लिया गया, जो भी उनको गुरुद्वारा था। और उसके बाद ये कंडीशंस जो है पीस टेरिटरी साइन हुई और उसमें गुरु को इस बात की जमानत दी गई कि उनकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और उनको इज्जत से रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसके बाहर आए अपने गुरुद्वारे के, तो उसके बाद वहां के जो पहाड़ी लोग थे उन्होंने वो गुरुद्वारे पर जो है वो कब्जा कर लिए। जो उनका किला था, असल में तो बड़ा किला था, उस किले पर उन्होंने कब्जा कर लिए। तो उसके लिए मजबूरन सिखों को लड़ाई लड़ना पड़ी और उसके अंदर गुरु के 2 बेटे मारे गए। तो गुरु यानी ये बहुत ही डेंजर ये इवेंट हो गया। तो गुरु ने काफी उसके बाद औरंगजेब को खत लिखा, लेकिन औरंगजेब जो है दक्कन की लड़ाइयों में इतने ज्यादा मसरूफ थे कि उन्होंने कोई खास उसमें तवज्जो नहीं दी। उसके बाद सिखों का यानी जो मुगल्स थे, और जाहिर है कि मुगल मुसलमान थे, तो मुसलमानों के अगेंस्ट जो है उनका बहुत ज्यादा गुस्सा उबल पड़ा और उन्होंने उस इलाके की कई मस्जिदों को तोड़ फोड़ दिया और वहां के जो इमाम थे उन इमामों को कत्ल कर दिया। उसके बाद प्रिंस मौजम जो था उसने काफी अंडरस्टैंडिंग उनसे पैदा की और उनसे कहा कि तुम यहाँ पिशावर में शिफ्ट हो जाओ। तो सिख जो है वो पंजाब से पिशावर की तरफ ट्रांसफर हो गया। लेकिन वहां पर जो है अफगान उनको एक्सेप्ट करने तैयार नहीं थे, जाहिर बात है ये तो बाहर से आए हुए लोग थे। तो अफगानों के साथ उनके काफी क्लैशेस हुए और जब ये बहुत ज्यादा सिखों पे मजालिम बढ़ने लगे, तो उसके बाद गुरु ने तय किया कि वो खुद जो है औरंगजेब से पर्सनली जाकर मिलेंगे। और वो औरंगजेब से मुलाकात के लिए निकले, लेकिन जब वो राजस्थान तक ही पहुंचे
तो तब तक औरंगजेब का इंतकाल हो गया था। तो ये जो लड़ाई थी ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर औरंगजेब की जो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजरा वो दक्कन में गुजरा। तो दक्कन में पिछले मर्तबा में देखा था कि शिवाजी जो है वो उभरना शुरू हो गया था। तो शिवाजी ने अपनी एक इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट बना ली, उसकी टेरिटरीज जो है कोकण के इलाके में फैलने लगी थी। उसके बाद शिवाजी ने कहा कि अब जो बीजापुर के इलाके हैं उस पर भी मेरी हुकूमत जो है वो मान लेनी चाहिए एम्परर ने, यानी औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने जो अपना सबसे काबिल वन ऑफ द एक काबिल अफसर था शाइस्ता खान, उसको क्रश करने के लिए भेजा। और शाइस्ता खान ने वहां पे काफी कैंपेन भी चलाया जिसमें शिवाजी को भी नुकसान हुआ। लेकिन 63 के अंदर 1663 के अंदर शिवाजी ने काफी एक डेयरिंग अटैक किया जिसमें शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई पूना के अंदर। उसके बाद शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया गया और वापस से मौजम को लाया गया, लेकिन मौजम भी जो है तो शिवाजी को कॉन्कर करने में नाकाम रहा। 1664 के अंदर फिर ये हुआ कि शिवाजी ने राजा जयसिंह को भेजा शिवाजी को इलेक्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। 65 के अंदर उसकी बड़ी फौज आई राजा जयसिंह की, और उसने फिर काफी शिवाजी के किले जो है फतेह कर लिए, और शिवाजी ने उसके बाद हार मान ली और बहुत सारे किले इसमें उसने मुगलों को सरेंडर कर दिए, और उस पर भी वो राजी हो गया कि मैं औरंगजेब से जाकर मिलूंगा। लेकिन यह हुआ कि जब वो आगरा में जाके औरंगजेब से मिला तो वहां पर मुगलों का एक कानून था कि जो भी नया कोई सरदार उनके उसमें शामिल होता तो उसको जो सबसे बड़ी जो पोजीशन दी जाती वो 5000 की दी जाती थी। तो शिवाजी को जब 5000 की पोजीशन दी गई तो शिवाजी का अपनी एक्सपेक्टेशन ये थी कि उसको कम से कम 7000 दिया जाना, तो उसने उसको अपनी तौहीन समझी और वो दक्कन से भाग निकला। उसके बाद आगरा से बाहर निकला और दक्कन आ गया, लेकिन फिर यहाँ पर मौजम के साथ उसने पीस ट्रीटी साइन कर ली। उसके बाद संभाजी को 5000 मनसब दिया गया, और 67 से लेकर 69 तक इस दरमियान में शिवाजी पीसफुल रहा और उसने अपनी जो फोर्सेस थी उसको कंसोलिडेट किया। लेकिन 1670 के अंदर उसने जो भी पुरंदर टेरिटरी के अंदर जो भी किले उसने सरेंडर किए थे उनको वापस हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। उसके बाद सूरत पर उसने अटैक किया, वहां पर कई जो बिजनेसमैन थे उनको लूटा, फैक्ट्रीज को जो है खत्म कर दिया, इसी तरह जो हिंदू मुस्लिम ट्रेडर्स थे उनको बर्बाद कर दिया। 74 में शिवाजी ने अपने आप को छत्रपति के नाम से खुद राजा जो है वो डिक्लेयर कर दिया। फिर 77-78 के अंदर कई किले कर्नाटक एरिया के अंदर शिवाजी ने फतेह कर लिए, और 1680 के अंदर शिवाजी की इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी ने अपने को जानशीन नहीं बनाया था, लेकिन शिवाजी की जो ओवरऑल इमेज थी वो क्या थी? तो वो इमेज ऐसी थी कि प्रोटेक्टर्स ऑफ द ब्राह्मिन्स एंड काउज, आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू सेल्फ रूल, डिफेंडर ऑफ हिंदू रिलीजन एंड कल्चर, है ना। तो बहुत सारे हिंदू संत थे जो शिवाजी को दुआएं देते थे, लेकिन ये मतलब ओवरऑल ऐसी हुकूमत थी। तो उस जमाने में जो भी राजा थे वो अपनी हुकूमत के स्टेबिलिटी के लिए, लोगों में जज्बे के लिए मजहब का इस्तेमाल किया करते थे, तो शिवाजी ने भी वैसे किया। शिवाजी ने कोई अपना सक्सेसर नहीं चुना था। उसके बाद लड़ाई होने लगी, लोगों ने उसके कुछ लोगों ने साजिश करके उसके छोटे बेटे को बना दिया, लेकिन उसका बेटा जो संभाजी था वो इतना इंसाफी को उसने बर्दाश्त नहीं किया, और उसके बाद जो है उसने वो खुद राजा बन गया और उसने जितने किले थे उस पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद उसने अपना टेरिटरी को एक्सपांड करना शुरू किया। संभाजी ने सबसे पहले बुरहानपुर पर हमला किया, बुरहानपुर पर हमला करने के बाद उसने उसको फतेह कर लिया, वहां पर पूरे शहर को उसने आग लगा दी, कई लोग उसमें मारे गए, यानी इतना ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि बुरहानपुर जमाने में एक मुस्लिम कल्चरल डोमिनेंट सिटी था, तो वहां के जो उलमा और मशायख थे तो उन्होंने एक ज्वाइंट लेटर जो है औरंगजेब को लिखा, और उन्होंने कहा कि अब बुरहानपुर जो है ये दारुल हर्ब हो गया, और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अब यहाँ पर जमात और जुमा दोनों भी जो है पढ़ी नहीं जा सकती। यानी औरंगजेब नॉर्थ में बिजी था, दक्कन में उसका कोई ज्यादा ध्यान नहीं था, तो इन लोगों ने ध्यान दिलाने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लेटर जो है औरंगजेब को लिखा। तो ये सारी चीजें जो दक्कन के एडवांसमेंट थे ये ऐसे थे कि जिसकी वजह से औरंगजेब को अपना अटेंशन जो है दक्कन की तरफ देना पड़ा। तो औरंगजेब इससे पहले पूरा दक्कन वायसराय के भरोसे उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन जो मराठा चैलेंज जो उभरा तो मौजम को उसको भेजा, लेकिन मौजम जो है उसको हल नहीं कर पाया था। तो औरंगजेब ने पहले फिर से मौजम को भेजा कि तुम जाओ वहां पर जाके देखो क्या मैटर है जो लेटर आया। तो मौजम ने यहाँ पे आया, उसने काफी लड़ाई लड़ी, लेकिन और काफी फुतवात भी उसको मिली, लेकिन ये हुआ कि यहाँ का जो मौसम था उसके सबब मौजम बीमार हो गया। तो उसके बाद औरंगजेब खुद जो है वो पर्सनली दक्कन में आया। औरंगजेब का जो रिमार्केबल दौर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी 1658 से लेके 81 तक। तो ये पूरा था जिसमें फोर्स नॉर्थ में था, जितने मिलिट्री सिविल जो भी डेवलपमेंट हुए वो नॉर्थ के अंदर हुए, लेकिन 1682 से लेके 1707 तक ये जो पूरा दूसरा दौर था वो दक्कन में था, यहाँ तक कि औरंगजेब का जो इंतकाल है वो भी दक्कन में हुआ। तो 1681 में औरंगजेब ने अजमेर छोड़ दिया दक्कन के लिए। 1682 के अंदर वो अहमदनगर में आया,
जब यहाँ पर अहमदनगर में आकर सिचुएशन को उन्होंने जायजा लिया कि मराठे इतना कैसे पावरफुल हो गए सडनली, तो यहाँ पर पता चला कि बीजापुर और गोलकुंडा यानी हैदराबाद की जो मुस्लिम हुकूमत है वो कंटिन्यूअस सपोर्ट जो है मराठों को दे रहे हैं, जिसके साथ वो लड़ने के काबिल है। तो औरंगजेब ने पहले डिसाइड किया कि पहले बीजापुर और गोलकुंडा को हम खत्म करेंगे। तो बहुत सारे लोग ये ऑब्जेक्शन लेते हैं कि औरंगजेब ने एक मुस्लिम रियासतों को क्यों खत्म किया, तो ये बात समझ चाहिए कि औरंगजेब एक रूलर था, एक इंपीरियलिस्ट था, और उसके लिए सारे इलाके चाहे वो हिंदुओं के हो मुसलमानों के एक जैसे थे, और उस सूरत में जबकि ये रियासतें उसके दुश्मन को सपोर्ट कर रही थी तो उसमें तो लाजमी हो गया था कि उनको फतेह किया जाए। तो औरंगजेब ने पहले बीजापुर और गोलकुंडा को फतेह करने का इरादा किया। सबसे पहले वो अहमदनगर पहुंचे और अहमदनगर में पहुंचने के बाद बीजापुर जो है 1686 के अंदर फतेह कर लिया, और वो रियासत जो थी बीजापुर की यानी जो दक्कन की 5 रियासत थी उसमें बीजापुर एक बड़ी रियासत थी, उसको खत्म कर दिया हमेशा के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर जो है गोलकुंडा का था, तो 1685 के अंदर हैदराबाद कैप्चर हुआ, लेकिन गोलकुंडा फोर्ट में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। प्रिंस मौजम को वहां पर भेजा था, तो मौजम ने वहां पर जो है वो पीस टॉक शुरू कर दिया और दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, तो औरंगजेब उससे बहुत ज्यादा नाराज हुआ और उस पर उसकी फैमिली को 12 साल के लिए जो है वो कैद की सजा दे दी। उसके बाद बहुत एफर्ट्स लगे लेकिन औरंगजेब जो है वो खुद आए और उन्होंने गोलकुंडा का जो किला है वो फतेह किया। इसके बाद 1689 के अंदर संभाजी जो है वो गिरफ्तार हो गया और रत्नागिरी के जो इलाका था वो मुगलों ने फतेह कर लिया। तो मराठों ने राजाराम को उनका नया रूलर बनाया, लेकिन उसके बाद राजाराम भी हार गया और वो तमिलनाडु की तरफ जिंजी की तरफ भागकर चला गया। अगले कुछ सालों के अंदर मुगल एम्पायर यानी पूरा दक्कन में नीचे तक तमिलनाडु का जो आखिरी मकाम है जिंजी तक, वहां तक मुगल एम्पायर फैल गया। तो उस जमाने में जो स्टेट्स थे तंजोरी और त्रिजनपुली यानी तमिलनाडु की जो स्टेट्स थी, ये दोनों की दोनों स्टेट जो है वो फतेह हो गए। यानी यहाँ पूरा साउथ का जो पूरा इलाका था वो मुगल एम्पायर के कब्जे में आ गया। यानी अल्लामा शिबली ने लिखा है कि मराठे शाहजहां के जमाने में पूरी कुव्वत हासिल कर चुके थे, दक्कन से मद्रास तक फैल गए थे, सैकड़ों न्यायत मजबूत और सर्व फलक के लिए उनके कब्जे में थे। इन सब बातों के अलावा एक जदीद जिंदा कौम बन रहे थे और ये उनका ऐन बाप था। इसी हालत में आलमगीर को उनसे मुकाबला करना पड़ा। अब देखो नतीजा क्या हुआ। ये हुआ कि आलम जी के जीते जी शिवाजी मर गया, संभा मारा गया, राम राजा आवर्गी और सहरानावर्दी की नजर हुआ, संता का सर कटकर दरिया में गिर गया, गर्ज अलम बरदार बगावत एक एक करके मिटा दिए गए, तमाम किले जात पर कब्जा कर लिया गया और दक्कन से लेकर मद्रास तक सन्नाटा हो गया। अब मराठे कोई हुकूमत या कौम न थे बल्कि खानाबदोश रेजन थे जो इधर उधर आवारा फिरते और मौका पाकर चोरी छुपे लूटमार करते थे। तो ये इस तरह औरंगजेब ने जो है पूरा साउथ कॉन्कर कर लिया। तो लास्ट पीरियड अगर हम औरंगजेब का देखें तो 1690 के करीब औरंगजेब की जो हुकूमत थी वो अपने इंतहा को पहुंच गई थी। यानी अगर हम देखें कि काबुल से लेकर चिटागोंग और कश्मीर से लेकर जिंजी, यानी ये मैप में अगर आप देखिए पर्पल कलर का, ये इतना बड़ा जो इलाका था तकरीबन ये औरंगजेब ने फतेह कर लिया था। तो ये लार्जेस्ट एम्पायर एवर रूल्ड बाय एनी इंडिविजुअल, यानी किसी भी इंडिविजुअल के जरिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एम्पायर जो हो सकता था ये वो एम्पायर था। तो औरंगजेब ने तकरीबन 50 साल हुकूमत की और इतने लंबे पीरियड के अंदर मुगल एम्पायर अपने जो टेरिटोरियल क्लाइमेक्स पर वो पहुंच गया था। औरंगजेब की शख्सियत कैसी थी? तो औरंगजेब बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग रूलर था, यानी किसी भी मामले को वो अपने सबऑर्डिनेट का मामला हो या खुद का मामला हो उसको इजी नहीं लेते थे बल्कि उसको फुल अटेंशन दिया करते थे। बहुत स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, और यानी डिसिप्लिन का मामला था कि औरंगजेब खुद अपने उनके औलाद थी वो उनको भी उस मामले में यानी माफ नहीं करते थे। यानी मौजम को गोलकुंडा के मामले में जो है 12 साल की सजा विद फैमिली दी गई। इसी तरह औरंगजेब के दूसरे भी जितने औलादे थी उन सबको किसी न किसी मामले में औरंगजेब ने सजा दी थी। औरंगजेब से पहले के जो रूलर्स थे अगर हम उनकी जिंदगी देखें तो वो सबके यहाँ बहुत ज्यादा शोनेस बहुत ज्यादा था, यानी दिखावे की जिंदगी बहुत ज्यादा थी जिसके अखराज थे वो आम आदमी को उठाना पड़ते थे। तो औरंगजेब ने वो सब खत्म कर दिया और उनकी जो पर्सनल लाइफ भी थी और एज ए रूलर भी जो लाइफ थी उसमें सिंप्लिसिटी थी। हालांकि औरंगजेब की जो रिप्यूटेशन थी वो एक ऑर्थोडॉक्स रूलर की थी, लेकिन एक ऑर्थोडॉक्स गॉड फियरिंग खुदा से डरने वाला मुसलमान। तो अगर हम देखें यानी उसी जमाने में खुद उनके अपने जमाने में लोग उनको जिंदा पीर कहा जाते थे, यानी लिविंग सेंट जो है उनको कहते थे। औरंगजेब का इंतकाल 1707 में 3 मार्च की सुबह अहमदनगर के अंदर हुआ। ये बात मतलब ऑलमोस्ट सभी हिस्टोरियंस ने लिखी है कि अपने आखिरी वक्त में जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी जबान पर जो है वो कलमा जारी था। तो औरंगजेब का मामला ये था कि पर्सनली वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे और वो लोगों से वही चीजें कहते थे जो वो खुद अपने अपने जिंदगी में करते थे। तो औरंगजेब की जो लाइफ थी यानी जो उसका स्टैंड ऑफ मॉरलिटी जो है वो कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा हाई था। बाद में उनकी जो जिसम है उसको अल्लाह तबाद लाया गया और वहां पर उनकी तदफीन हुई। औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज है वो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा डिस्कशन का मौजू है।
हिस्टोरियंस हालांकि उसमें डिवाइड है, कुछ लोग यानी दोनों तरह की उसमें बातें की जाती है, यानी कुछ लोगों के मुताबिक औरंगजेब जो रिलीजियस पॉलिसीज थी तो वो यानी ऐसी थी जिसने हिंदुओं पे बहुत ज्यादा जुल्म की और जिसके नतीजे में ये हुआ कि हिंदू बागी हो गए और बागी होने के बाद जो है मुगल एम्पायर बिखर गया। दूसरे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि औरंगजेब को नाइंसाफी के साथ मलाइन किया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है। अभी हिंदू जो है वो डिसलॉयल होना शुरू हो गए थे तो औरंगजेब के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो मुसलमानों पर ट्रस्ट करें, इसलिए उन्होंने मुसलमानों पर ट्रस्ट किया। अभी एक तीसरा जो ट्रेंड उभरा है जिसमें इरफान हबीब वगैरह और दूसरे जो हिस्टोरियंस है तो वो औरंगजेब की जो लाइफ है तो उस जमाने का जो कॉन्टेक्स्ट था, जो बैकग्राउंड था, यानी सोशल इकोनॉमिकल और इंस्टीट्यूशनल जो डेवलपमेंट्स हुए थे तो वो उसको हिंदू मुस्लिम में नहीं देखते बल्कि वो समाज जैसे डेवलप हो रहा था उस डेवलपमेंट में वो उसको देखते हैं। तो अगर हम औरंगजेब की लाइफ को ओवरऑल देखें तो ही वाज अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मुस्लिम। औरंगजेब बहुत ही यानी औरंगजेब की लाइफ में बहुत पेचीदगी नहीं थी, वो एक सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुसलमान था। यानी तसव्वुफ के अंदर, फलसफे के अंदर औरंगजेब को कोई दिलचस्पी नहीं थी, यानी उसका सिंपल मामला था कि ये शरीयत का हुक्म है, ये करना है। यानी हालांकि ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तसव्वुफ के सूफी के खिलाफ थे, वो सूफियों से मिलते भी थे, खुद औरंगजेब के जो बेटे थे वो सूफियों से ताल्लुकात भी रखते थे और वो खुद तसव्वुफ को मानते भी थे, उसको प्रैक्टिस भी करते थे। लेकिन औरंगजेब जहाँ एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था वहां पर वो रूलर भी था, तो वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पर के हिंदुओं की और दूसरे फेथ की यानी अदर देन मुस्लिम उनकी मेजोरिटी है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी रूलिंग्स नहीं चल सकती जो किसी एक ही रिलीजन के मानने वालों की हो। यानी सिर्फ इस्लाम को अगर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये कंट्री नहीं चल पाएंगी। तो ये बात औरंगजेब जो है पॉलिटिकली बहुत अच्छे से ये समझता था। यानी जवाबित आलमगीरी जो उस जमाने में जो कानून बनाए गए थे, यानी औरंगजेब ने किया कि मुसलमानों के लिए जो कानून बनाए वो तो शरई कानून बनाए, लेकिन जो हिंदुस्तानी थे यानी जो अदर देन मुस्लिम्स थे उनके लिए जवाबित आलमगीरी जो बनाया गया वो सेकुलर लॉ है। यानी जहां वो चाहते कि उनके मजहब के मुताबिक फैसला किया जाए वहां उनके मजहब के मुताबिक फैसला कर दिया जाता, अदरवाइज जो हुकूमती सतह पे जो फैसले होते हैं वो जवाबित आलमगीरी के तहत होते हैं और ये जो है ये पूरे सेकुलर कानून थे। औरंगजेब की जो मजहबी पॉलिसीज है उसको अगर जिन चीजों पे ऑब्जेक्शन लिया जाता है अगर हम एक एक करके उसको देखें कि वो क्या थी, यानी उनके जमाने के इब्तिदा में उन्होंने सिक्कों पर से जो कलमा निकाल दिया तो ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे किसी और मजहब वाले को कोई तकलीफ पहुंचेगी। यानी नौरोज का जो फेस्टिवल था जो ज़ोरास्ट्रियन प्रैक्टिस थी तो यहाँ पर ज़ोरास्ट्रियन दरबार में मानने वाले लोग भी नहीं थे और उसके अखराजात भी बहुत ज्यादा थे, इसलिए औरंगजेब ने उसको खत्म कर दिया। इसी तरह औरंगजेब ने क्या किया था कि जो मोहतसिब है वो अपॉइंट किए थे। ये मोहतसिब क्या थे, ये गवर्नमेंट ऑफिशल्स थे जिनका काम ये था कि हुकूमत में जो मामला थे वो शरीयत के मुताबिक चल रहे या नहीं चल रहे। तो ये जो शरीयत के मुताबिक चल रहे सिर्फ मुसलमानों की लाइफ देखते थे, उसके अलावा जो गवर्नमेंट के मैटर्स है वो जवाबित आलमगिरी के तहत देखे जाते थे। फिर जो कानून बना दिए गए थे जैसे शराब है या इंटॉक्सिकेंट है, नशे की दूसरी जो चीजें हैं तो ये पब्लिक में कोई कंज्यूम ना करे, इसी तरह इन लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि वो किसी के भी रिलीजियस मैटर्स में उनके जो प्राइवेट अफेयर्स हैं उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी ये जो अपॉइंटेड जो मोहतसिब थे तो इनको खास इंस्ट्रक्शन जो ये दिए गए थे, यानी स्टेट जो है वो कहीं भी लोगों की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर ना करे, इसका पूरा ख्याल रखा गया था। फिर उसके बाद 1659 में देखते हैं कि औरंगजेब ने बहुत ज्यादा यानी कुछ मेजर्स लिए जिन पर ऑब्जेक्शन लिया जाता है या उनके जो अपोनेंट्स है वो कहते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। तो लेकिन अगर हम उन मेजर्स को देखें तो समझ में आता है कि उसमें से कुछ इकोनॉमिक थे, कुछ सोशो कल्चर थे और कुछ जो नेचर के थे। जैसे दरबार में मौसीकी को खत्म कर दिया गया तो ये जो डिसीजन लिया गया यानी जो इंस्ट्रूमेंट और नौबत जो भी वहाँ पे रॉयल बैंड था तो एक तो उसके अखराजात बहुत ज्यादा आते थे तो वो अखराजात भी कम करने के लिए, दूसरा ये सोशल और कल्चरल चीज थी। यानी इसमें ऐसा नहीं था कि किसी रिलीजन की मुखालिफत में ये कदम उठाया गया। हालांकि औरंगजेब के खुद उसकी औलाद में, खुद उसके अपने हरम में बहुत सारे लोग थे जो म्यूजिक को पसंद करते थे और उसके बाद भी वो यानी उसको बजाते रहते थे, सुनते रहते थे, लेकिन औरंगजेब ने उनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। तो ये जो बात कही जाती है कि औरंगजेब ने यानी दुनिया से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनको ऐसे खत्म कर दिया गया कि उनका कोई इको भी दुनिया में ना सुनाई दिया जाए, तो ये थोड़ा एग्जेजरेटेड ये कमेंट है। फिर झरोका दर्शन जो था तो ये एक ऐसी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस थी, इसको बंद करा दिया। फिर जो सिल्वर कॉइन में बादशाह को तोलने का था, ये जो सारी चीजें थी तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इफर्ट्स थे। यानी इसमें कहीं भी किसी मजहब के लिए कोई बेइज्जती का मामला या ऐसी चीज नहीं थी।
बल्कि अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए फायदेमंद थी, क्योंकि ये सारी जो चीजें होती थी वो लोगों के टैक्सेस से ही पूरी होती थी। फिर इसके अलावा कई चीजें थी जो मॉरल कैरेक्टर्स थे, या जिसको हम कहते हैं कि ये सेंस ऑफ स्ट्रिक्टनेस था जो औरंगजेब ने किया, यानी जो दरबार था तो वो बहुत ज्यादा आलिशान हुए करते थे, तो औरंगजेब ने उनको खत्म करके बहुत सिंपल बना दिया। यानी पूरी जालियां जो थी वो सोने की लगाई जाती थी, तो औरंगजेब ने कहा कि सिर्फ उसमें वुड पॉलिश करो, सोने की लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह ये सारी जो चीजें थी औरंगजेब ने खत्म करा दिया, जो दरबारी कल्चर जो था तो वो सारा कल्चर जो है वो खत्म किया गया। फिर जिजिया और टेम्पल, ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है जिसपे सबसे ज्यादा डिस्कशन किया जाता है। तो औरंगजेब का इसमें क्या एटीट्यूड रहा, तो यहाँ मैंने बहुत ज्यादा सतीश चंद्रा ने जो अपनी किताब में लिखा है वहां से मैंने ज्यादा रेफर किया है। उसके अलावा दूसरी किताबें मैंने रेफर किए, बाद में मैं उसके रेफरेंस देता हूँ, लेकिन मोस्टली मैंने सतीश चंद्रा को इसमें रेफर किया है। अगर औरंगजेब की जो पूरा पीरियड अगर हम उसको देखा जाए तो उसमें शरिया की क्या पोजीशंस थी और जो दूसरे मजहबी इमारतें थी, औरंगजेब ने पहले ये रूल बना दिया था कि जितने भी जो मंदिर है, सिनेगॉग्स है, चर्चेस है जो पहले से कायम है उसमें से कोई भी जो है वो गिराया नहीं जाएगा। और इब्तिदा में ये रूल बनाया गया था कि नो न्यू टेम्पल्स अलॉट टू बी बिल्ट, और नए मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी जाएंगी, और ओल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप जितने भी हैं उनको रिपेयर करने की जो है वो परमिशन रहेंगी जब तक कि वो मंदिर बाकी है। तो ये ऑर्डर से ये बात तो समझ में आती है कि कहीं भी जो है मंदिरों को तोड़ने की बात नहीं की गई है। तो टेम्पलों को और नए मंदिर ना बनाने की इजाजत जो है ये पहली मरतबा नहीं हुई थी, बल्कि दिल्ली सल्तनत जब से कायम थी तब से ये रूल ऐसे ही था। लेकिन जो मंदिर, बाद मंदिर जो है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मंदिर औरंगजेब ने तोड़े, तो ये बात समझनी चाहिए कि वो सिर्फ मंदिर नहीं थे पूरा। यानी आज जो है तो थोड़ा सेकुलर फैब्रिक हो गया और मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे, इससे पॉलिटिकल एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती, लेकिन उस जमाने में चूंकि ये सोशो कल्चरल सेंटर्स थे मंदिर मस्जिद वगैरह, तो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो भी इसके अराउंड में होते थे। तो जो भी मंदिर तोड़े गए तो वो यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के गढ़ थे, इसलिए औरंगजेब ने जो है उनको डिस्ट्रॉय करना जरूरी समझा। तो इट वाज काइंड ऑफ पनिशमेंट, है ना। यानी सतीश चंद्र ने लिखा है कि इस बात के तो रिकॉर्ड मौजूद है कि देर आर रिकॉर्ड इंस्टेंस ऑफ ग्रांट, यानी औरंगजेब ने हिंदू टेम्पल्स और जो मठ थे वो उसने उनको ग्रांट दी, लेकिन इस बात के सबूत नहीं है कि जो पॉलिटिकल जो मंदिर तोड़े उसके अलावा कोई और मंदिर जो है औरंगजेब ने तोड़ा। वो जो मंदिर तोड़े गए तो उससे बहुत मनफी जो असर है वो लोगों के ऊपर पड़ा। हालांकि उस जमाने में ये कॉमन कल्चर था, यानी 1568 के अंदर अली आदिल शाह जो था दक्कन का, तो उसने राजा राम जो विजयनगर का था उसको अपनी मदद के लिए बुलाया। तो जब उसने उसको अपनी मदद के लिए बुलाया तो ये बात उसने उसके सामने रखी कि जब तुम यहाँ मेरी मदद करोगे और उसके बाद यहाँ तुमको पावर मिल जाएंगे तो यहाँ की तुम मस्जिद को मत तोड़ना, है ना। यानी उस जमाने में वो कल्चर ही था, तो उसने ये बात लिख कर दी कि मैं मस्जिद को नहीं तोड़ूंगा। हालांकि जब उसने जंग जीता, और ये तो उसके सपोर्ट के लिए गया था, लेकिन उसके बाद जो है उसने पूरे मस्जिद वहां पर तोड़ दिए। तो ये जो ओवरऑल यानी उस जमाने की जो सिचुएशन थी, अल्लामा शिबली ने उसको बहुत अच्छे से बयान किया है कि शाहजहां के जो 7वें साल था हुकूमत का, तो हिंदुओं का ये जोर था कि वो मस्जिदों को अपने तसरुफ में लाते थे और शरीफ मुसलमान औरतों को जबर में घर में डाल लेते थे। तो ये शाहजहां के एपिसोड में उन्होंने देखा, दूसरे कई हिस्टोरियंस ने भी इसको लिखा है अल्लामा शिबली के अलावा भी। और दाराशिकोह जो शाहजहां के आखिरी जमाने में सल्तनत के कारोबार का मालिक हो गया था, तो वो तो यानी पूरा हिंदू कल्चर में इन्वॉल्व था। तो उसके जमाने में जो मुस्लिम मुसलमान पर एट्रोसिटीज थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर ये होता था कि हिंदू मुस्लिम की जो एजुकेशन है वो साथ में होती थी, यानी मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो ऐलानिया मजहबी तालीम हिंदुओं के यहाँ लेते थे। तो औरंगजेब ने उस तालीम को बंद करा दिया। तो आलमगीर ने जब इस तालीम को बंद करना चाहा तो हिंदुओं में बहुत ज्यादा उसके लिए उसके अगेंस्ट में शोरिश हो गई, यानी वहां पे जंग की कैफियत पैदा हो गई। और फिर उसके बाद जो है वो जंग के नतीजे में वहां पर जो है मंदिर तोड़े गए। हालांकि उसके बाद अगर हम देखें तो औरंगजेब दक्कन में इतने साल रहा, यहाँ पे हजारों मंदिर थे, लेकिन किसी मंदिर को औरंगजेब ने नहीं तोड़ा। फिर उसके बाद 1679 के अंदर औरंगजेब ने जिजिया जो है रीइंपोज किया। तो इस पर भी काफी हिस्टोरियंस के डिस्कशंस है कि इसके मोटिव्स क्या थे, जिजिया क्यों इम्पोज किया गया था। कुछ लोगों का ये मानना था कि औरंगजेब जिसको दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, तो हालांकि सतीश चंद्र ने बहुत अच्छी बात लिखी कि औरंगजेब के बैक ऑफ द माइंड ये नहीं था कि उसको दारुल इस्लाम बनाना, बल्कि वो उसको दारुल इस्लाम ऑलरेडी समझता था, है ना। तो जितने दिल्ली के सलातीन थे, मुगल थे, वो सब पहले से इसको दारुल इस्लाम ही समझते थे। तो फिर जिजिया क्यों इम्पोज किया गया, तो ऐसा था क्या हुकूमत इकोनॉमिकल क्राइसिस में आ गई थी तो जिजिया इम्पोज किया गया, तो वैसी भी कोई बात नहीं थी। फिर क्या ये जजिया इसलिए था कि हिंदुओं को प्रेशराइज किया जाए कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो,
तो ये बात समझ में आती है कि ये भी उसका रीजन नहीं था, क्योंकि उसमें औरतों को, बच्चों को जो माजूर थे और गरीब, इन पर जिजिया नहीं था। यानी जिजिया जो था तो जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे कि जो दबाव में इस्लाम कबूल कर सकते थे, तो उन पर किसी पर भी जिजिया नहीं था। बल्कि हिंदुओं में भी जो जो इकोनॉमिकली वेल टू डू सेक्स थे, सिर्फ उन्हीं पर वो जिजिया था। और हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी जिजिये के लिए हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और जिजिया इतना नहीं रहता था कि उससे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो पैदा हो जाएगा। बल्कि एक दूसरे साइड पर देखिए तो जिजिये की वजह से, यानी जिजिया नहीं लेने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो पैदा हो सकता था। फिर जिजिया जब औरंगजेब ने नाफिज किया तो उसके बदले में अबवाब जो कहा जाता है, यानी बहुत सारे दूसरे जो टैक्सेस थे, जो इलीगल टैक्सेस औरंगजेब से पहले जो राजाओं ने लगा दिए थे, यानी जो मुगल बादशाहों ने लगाए थे, औरंगजेब ने वो टैक्सेस खत्म कर दिए। तो जो अमाउंट जिजिया से कलेक्ट होता था और जो अबवाब से था, तो उनके बीच में कोई रेशो नहीं था। यानी अगर वो जिजिया नहीं लगाते और दूसरे टैक्सेस कंटिन्यू करते तो उससे बहुत ज्यादा पैसे मिला करते थे, लेकिन वो पैसे को सेक्रीफाइस करके इन्होंने जिजिया लगाया। और जिजिया लेने के बाद जो है, तो चूंकि हिंदुओं की यानी जो भी जिमी रहते तो उनका प्रोटेक्शन मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती, और वो उसके बाद जंग में हिस्सा भी नहीं लेते। तो चूंकि मुगल फौज जो थी, तो वो जिजिये का जो पैसा था वो शाही खजाने में नहीं जाता था, बल्कि वो फौज जो जंग लड़ती थी वो पैसा वो फौज के ऊपर खर्चा होता था। लेकिन जिजिये से इतना निगेटिव इम्पैक्ट क्यों पैदा हुआ, तो उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए तो औरंगजेब ने ये किया था कि जो जिजिया कलेक्टर्स जो थे वो मुसलमान थे, और औरंगजेब को ये था कि वो लोग जो खुदा से ज्यादा डरते, गॉड फियरिंग है, जिनके अंदर खुदा का खौफ है, जो बेईमानियां नहीं करेंगे, उनको उसने जिजिया कलेक्ट करने के लिए रखा। अब ये सब जो है ये उल्मा थे, और जाहिर है उल्मा का अपना एक मजहबी, उनका एक रिलीजियस जो है वो लुक होता है। तो इसकी वजह से जो हिंदू थे उनके अंदर एक दर्जे का ह्यूमिलिएशन पैदा हुआ, यानी उनको लगा कि यार ये जो मुस्लिम रिलीजियस लोग हैं ये आकर हमसे पैसा कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे साथ ये जो मतलब बर्ताव है ये थोड़ा सेकंड सिटीजन टाइप का जो बर्ताव हमारे साथ किया जा रहा। तो उसकी वजह से खुद उस जमाने में रिवोल्ट हुआ, कई बार हड़ताल की गई, कई बार जो जिजिया कलेक्टर्स है उनको खत्म किया गया। हालांकि यहाँ औरंगजेब ने थोड़ा हिकमत से काम लेना चाहिए था, यानी मोहम्मद बिन कासिम के मामले में हम देखते हैं कि जब वो हिंदुस्तान आए तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मिन्स जो थे उनको जिजिया माफ किया, और जो ब्राह्मिन्स थे उन्हीं को जिजिया कलेक्टर बनाया, ताकि जो यहाँ के जो लोग थे उनके अंदर एक ये नहीं, उनको ये ना लगे कि सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन जो है उनके अंदर ना पैदा हो। लेकिन औरंगजेब ने इसका ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इससे मिसकंसेप्शन पैदा किया। बहरहाल फाइनली 1705 के अंदर जब ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे तो जजिया जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, और औरंगजेब के बाद 1712 में वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। एक नई जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें ये बताई गई कि औरंगजेब के दौर के अंदर जो हिंदू नोबल्स थे, यानी जो हिंदू जिनको की पोस्ट दी गई थी, तो उनका जो रेशियो है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो उससे ज्यादा है जो शाहजहां के दरबार में थे। यानी शाहजहां के दरबार में 1/4 थे, जबकि औरंगजेब के दरबार में जो है तो वो 2/3 थे, यानी 1/3 थे। यानी एक बड़ी मेजोरिटी जो है औरंगजेब के यहाँ वो हिंदू नोबल्स की थी। तो ये जो बात की जाती है कि औरंगजेब ने हिंदुओं को दबाया, उन पर मजालिम किया, जाहिर है अगर इस तरह के मजालिम किए जाते तो कोई भी हिंदू जो है औरंगजेब की आर्मी ज्वाइन नहीं करते थे। यानी एक मौके पर ऐसा हुआ कि एक पिटिशन, यानी एक आदमी ने दावा किया एक पोस्ट के लिए, और उसने ये क्लेम किया कि चूंकि मैं मुसलमान हूं तो इसलिए इस पोस्ट पर मेरा दावा ज्यादा है। तो वो जो लेटर है, जाहिर है वो लेटर तो औरंगजेब पे लिखा हुआ है और वो अभी भी मौजूद है। तो औरंगजेब ने जो उसको जवाब दिया वो बहुत सख्त था कि तुमने ये मुनाफिकत जो है ये इन मामला में कहां से आ गई। याद रखो, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। अगर मैं ये तुम्हारी बात मान लूं, यानी जो बात तुम कह रहे हो कि मुसलमान होने की निस्बत से तुम्हारा दावा सही है, तो फिर मुझे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं से लड़ाइयां ही करती रहना पड़ेगा। तो औरंगजेब ने सिर्फ उसका ये क्लेम कि वो मुसलमान होने की बुनियाद पर उसको पोस्ट दी जानी चाहिए, वो रिजेक्ट कर दिया। यानी एक और वाकया जो बहुत अजीब वाकया जो स्टूडेंट्स ने बयान किया है कि शाहजहां के जमाने में, यानी शाहजहां थोड़ा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था और वो कन्वर्जन वगैरह को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी था, तो बंदेरा का जो राजा था इंद्रमन, तो उसको औरंगजेब ने कत्ल कर दिया, सॉरी शाहजहां ने उसको कैद कर दिया। जब औरंगजेब उस इलाके के दक्कन का सूबेदार हुआ तो वो जो इंद्रमन राजा था तो उसके औरंगजेब के काफी अच्छे थे, तो औरंगजेब ने शाहजहां को लिखा, उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम उसको छोड़ दो। तो शाहजहां ने कहा कि ठीक है, मैं उसको एक कंडीशन से छोड़ सकता हूँ कि वो इस्लाम कबूल कर ले। तो औरंगजेब ने बहुत सख्ती के साथ जो है शाहजहां को लेटर लिखा और कहा कि ये कंडीशन आप उसके सामने नहीं रख सकते, यानी ऐसा करना नाजायज और तंग नजरिया काम है। राजा की रिहाइश उसी के शराइत के मुताबिक होनी चाहिए,
यानी ये जो लेटर औरंगजेब को मौजूद है, तो औरंगजेब ने शाहजहां को यानी इस बात पर लथाड़ा कि वो एक आदमी को सिर्फ इसलिए रिहा करना चाहेंगे कि वो इस्लाम कबूल कर लेगा। तो औरंगजेब जो है वो बहुत ही यानी औरंगजेब के जितने दुश्मन भी है, जो लोगों ने उसके खिलाफ बहुत ज्यादा लिखा, उन सब ने लिखा कि औरंगजेब की शख्सियत में हिपोक्रेसी नहीं थी, मुनाफिकत नहीं थी। तो औरंगजेब बखूबी जानता था कि शरीयत में इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देता कि किसी को जबरन जो है वो ताकत के जोर से या पैसे देकर या किसी की मजबूरी का फायदा बनाकर जो है वो मुसलमान बना लिया जाए। तो ये इस तरह यानी औरंगजेब की जिंदगी थी। यानी बहुत अच्छा अल्लामा शिब्ली ने लिखा कि दुनिया ने उसे हिंदुस्तान की तमाम दौलत का मालिक समझा, लेकिन वो अपने जाती खर्च के लिए जिंदगी भर टोपियां सीता और कुरान के सफात की नकल तैयार करता रहा। लोगों ने उसे हिंदू मुखालिफ कहा, लेकिन तमाम रियाया के हक में उसका यकसा बर्ताव रहा। मुसलमानों ने उसे शिया मुखालिफ कहा, मगर उसकी जान एक शिया की मुट्ठी में थी। जीन हजरात ने उसे बदतरीन हुक्मरान बताया, मगर सही तौर पर उसकी हुकूमत वसत के एतबार से हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़े रकबे पर और मुद्दत के एतबार से 8 साल पर मोहित रही। 3 मुस्लिम ताकतों अफगान, बीजापुर और गोलकुंडा और 3 हिंदू ताकतों मराठा, सिख और राजपूत की दुश्मनी की तलवार हमेशा उसके सर पर लटकती रही। मगर जंग के खुले मैदान में दुश्मनों की तलवारों के दरमियान वो खुदा की याद में गर्क हो जाता। बीवी, बेटा, बेटी और सरकारी खजाने में दौलत का अंबार, अजर मिनशम शख्सियत पर सब कुछ होने के बावजूद मिट्टी के एक ढेर नुमा अपनी कबर की महज हरी दुब घास से सजावट करने की ख्वाहिश रखने वाला औरंगजेब के छोड़े वसीयतनामे पर आखिरी नजर में एक नजर डाले, ताकि औरंगजेब के अंदर का पूरा इंसान सामने आ सके। यानी इतनी बड़ी वसी सल्तनत थी, इतने बड़े बड़े कौमों से उसने लड़ाइयां लड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो है औरंगजेब की जिंदगी बहुत सादा थी और बहुत ही सिंपल जो लाइफ है हमको दिखाई देती। कुछ चीजें मैं और कंक्लूड करना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें जो औरंगजेब के बारे में बताई जाती है, यानी ये तो वो चीजें थी जो मैंने डिफेंस में रखी, लेकिन खुद औरंगजेब ने क्या काम किया वो भी एक थोड़ा पॉजिटिव साइड अगर हमारे सामने आ जाए तो औरंगजेब की शख्सियत का पूरा पहलू जो है हमारे सामने आ जाएगा। तो ये मैंने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की जो किताब है उस किताब से मैंने ये लिया है। तो औरंगजेब से पहले यानी औरंगजेब के जमाने में क्या सूरत हाल थी और औरंगजेब के बाद क्या सूरत हाल हुई, तो वो उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब से पहले लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाते थे, और ये सिर्फ मुगल हुक्मरानों का नहीं बल्कि उस जमाने में जितने राजे रजवाड़े और जिनकी छोटी छोटी हुकूमत थे वो भी इसी तरह के टैक्स लिया करते थे। यानी खुद शिवाजी अपने मकबूजा इलाके में चौथ यानी पैदावार का चौथा हिस्सा वसूल किया करते थे। तो औरंगजेब ने माल गुजारी के अलावा जो टैक्स लिए जाते थे, जिनकी तादाद 80 बताई गई है, उन सबको नामुनसिफाना और किसान मुखालिफ करार देते हुए खत्म कर दिए। हालांकि उसकी आमदनी करोड़ों होती थी। ये बात काबिले गौर है कि औरंगजेब को हिंदू मुखालिफ पेश किया जाता है, लेकिन उन्होंने मुतअद्दिद ऐसे टैक्सों को माफ कर दिया जिनका ताल्लुक हिंदुओं से था, जैसे गंगा पूजा टैक्स, गंगा स्नान टैक्स और गंगा में मुर्दों को बहाने का टैक्स। उसने मालगुजारी का कानून मुरतब किया और उसके नज़्म व नक़्श को पुख्ता किया, यहाँ तक कि शाहजहां के दौर में 2.5 करोड़ पौंड के करीब सल्तनत की आमदनी थी, जो औरंगजेब के दौर में 4 करोड़ पौंड के करीब पहुंची। हुकूमतों में ये रिवाज था कि जब किसी अहदेदार का इंतकाल हो जाता तो उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाती थी और हुकूमत के खजाने में दाखिल हो जाती थी, और आज भी मगरबी ममालिक में ऐसा कानून मौजूद है। लेकिन औरंगजेब ने इस कानून को खत्म कर दिया ताकि अहदेदार के वारिसों के साथ नाइंसाफी न हो, और उसने इस बात की कोशिश की कि मजदूमों के लिए इंसाफ का हासिल होना आसान हो जाए। वो रोजाना 2-3 बार दरबार आम करता था। यहाँ हाजिरी में किसी लिए कोई रुकावट नहीं थी। हर छोटा बड़ा, गरीब अमीर, मुसलमान गैर मुस्लिम, बेतकल्लुफ अपनी फरियाद पेश करता था और बिला ताखिर उसको इंसाफ फराहम किया जाता था। इसी तरह औरंगजेब ने अपने जितने ऑफिसर्स थे, शहजादे थे, अहदेदार थे, उनको ये हुक्म दिया था कि वो भी डेली जो है वो दरबार लगा सके ताकि लोग उनके सामने अपनी फरियाद रख सके। आमतौर पर हुकूमत के आले अहदेदार को रिश्वत गिफ्ट करने के नाम पर दी जाती थी और इसमें करप्शन जो है चलता था, ये करप्शन का एक दरपर्दा काम था। तो औरंगजेब ने जो है ये करप्शन खत्म करा दिया और हर तरह के नजराने जो दिए जाते थे, और खासतौर से नौरोज का जो जश्न था वो तो होता इसीलिए था कि उसमें रिश्वत दी जाती थी, औरंगजेब ने जैसे ही खत्म कर दिया। फिर जो भी फजूल खर्ची बादशाह करते थे, जो शाह खर्चिया थी, जो हुक्मरानों के चोचले जो थे, जो गरीब आवाम को तोड़ देते थे, औरंगजेब ने आए से सारे तकल्लुफात को जो है खत्म करने की भरपूर कोशिश की, और जितने भी यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए जितने काम हो सकते थे वो सारे के सारे काम जो है औरंगजेब ने किए। यानी औरंगजेब से पहले जो है दरबारियों का दिल बहलाने के लिए, शाही खानदान का दिल बहलाने के लिए गाने बजाने का खुसूसी इंतजाम होता था। कव्वाल, रक्कासाएं, उन पर बड़ी बड़ी रकमें खर्च की जाती थी। औरंगजेब ने वो सबके सब जो है रस्में खत्म कर दी। इसी तरह सोने चांदी जो है वो लोगों पे लुटाया जाता था, वो सारा औरंगजेब ने वो सारी रसूमात खत्म कर दी। फिर इसी तरह औरंगजेब ने जो लोग ट्रैवलर थे, मुसाफिर थे, उनको जरूरतें रहती थी तो उसके बहुत ज्यादा मुसाफिर खाने बजाए, और उसकी जो खर्चे थे वो बादशाह अपने शाही खर्चे से वो पूरे किए जाते थे।
फिर औरंगजेब ने एग्रीकल्चर यूनिट में सनत उर्फत को बहुत तरक्की दी और मईशत का सबसे बड़ा जरिए जो ज़राअत था तो उस पर खास तवज्जो दी, किसानों को बहुत मोटिवेट किया। जिन किसानों के पास काश्तकारी के लिए पैसा नहीं होता था उनको सरकारी खजाने से पैसा दिया जाता था। फिर किसानों को मालगुजारी जो है माफ़ की जाती थी, जो ज़मीनें खाली पड़ी हुई थी वो किसानों को वैसी दे दी जाती थी। गवर्नमेंट की तरफ से कुएं खोदे जाते थे ताकि लोगों को पानी की सहूलतें हो सके। फिर इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक इस्लाह के काम औरंगजेब ने किए, जैसे भंग की जो काश्त थी उस पर पाबंदी लगा दी, शराब, जुआ, कैवागिरी, फाहिश औरतों को शादी करने पर मजबूर कर दिया, इसी तरह लौंडी गुलाम बनाकर रखना या ख्वाजसरा बनाकर रखना, इस पर जो है वो पाबंदी लगा दी। फिर सती की रस्म जो है उसको खत्म कराने की उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की और एक बड़ी हद तक उसको जो है वो खत्म कराने में कामयाब रहे। इसी तरह औरंगजेब के जमाने में सड़कें, सराय, नए मुसाफिर खाने, तालीमी इदारे, इबादत गाहें, जागीर, इन सबको जो है गवर्नमेंट की तरफ से डोनेशंस और फंड्स दिए जाते थे। यानी ये सारी चीजें अगर हम औरंगजेब की देखें तो इसमें बहुत यानी पॉजिटिव हमको चीजें नजर आती। तो औरंगजेब हिंदुस्तानी तारीख का यानी हम ये कह सकते हैं, बाद लोग कहते हैं कि अशोक की हुकूमत सबसे बड़ी थी, लेकिन जाहिर है वो तो 2500 साल पहले की थी हुकूमत और उसकी तारीख जो है वो 200-300 साल पहले कलमबंद की, तो उसके बारे में हतमी कोई बात नहीं कही जा सकती। लेकिन औरंगजेब की जो हुकूमत थी वो हिंदुस्तान की तारीख में सबसे वसी व अरीज हुकूमत थी और एक ऐसी हुकूमत थी जो इंसाफ की बुनियाद पर कायम थी, जिसमें सारे जो सेक्ट थे चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, वो सबके लिए जगह थी। और औरंगजेब की अपनी फौज में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हर मजहब के मानने वाले थे, लेकिन हिस्ट्री में जो है खासतौर से ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री लिखी और बाद में सब लोग उसी को कोट करते रहे, तो उसमें ब्रिटिशर्स को एक विलन चाहिए था यहाँ पर, और वो विलन जो है उनको औरंगजेब की शक्ल में नजर आया और उन्होंने पूरी जो हिस्ट्री बनाई तो औरंगजेब के अगेंस्ट यानी उसको एक विलन बनाकर जो है वो हिस्ट्री पेश की। लेकिन तारीख का अगर हम बहुत ज्यादा तारीख का एनालिसिस किया जाए, कुछ किताबों के नाम मैं भी शेयर करूंगा, अगर वो किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उससे ये बात समझ में आती है कि औरंगजेब कोई जालिम जाबिर हुक्मरान नहीं था, बल्कि वो हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला, यहाँ के सभी तबकात, समाज के सभी हिस्सों को साथ में लेकर चलने वाला हुक्मरान था। जज़ाकअल्लाह।